इस बात के कई सबूत मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म था और यह बात सभी जानते हैं। वह धर्म सनातन था और लोग इसी के अनुसार जीवन यापन करते थे। आज हम आपके सामने एक ऐसे मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं जहां आज भी भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। इतना ही नहीं, यहां के लोगों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। एक मुस्लिम देश का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि सनातन धर्म पुराना है। हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाले देश उज्बेकिस्तान की। इस देश का इतिहास उठाकर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफी कुछ सनातन से निकला हुआ प्रतीत होगा। इस देश का खिवा शहर आज भी अपने अंदर हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। खिवा शहर के लोग आज भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और आदर के साथ पूजा करते हैं। इस शहर के लोगों को कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी हुई हर कहानी और घटना का ज्ञान है। आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों को महाभारत में कृष्ण की भूमिका का भी ज्ञान है। बेशक आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगी क्योंकि अब कुछ कट्टरपंथी लोग इस बातों से भी जलने लगे हैं, किंतु वर्तमान तक यहाँ के लोग कृष्ण को पूजनीय मान रहे हैं। ना जाने क्यों यहाँ के कुछ लोग इस बात से जलते हैं। खिवा शहर वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा आज भी करते हैं और यह सभी मुस्लिम है। यह कट्टरपंथियों के लिए एक नफरत की चीज है। हाँ, अब यह देखने में जरूर आ रहा है कि कृष्ण की मूर्ति रखने से लोग अब डरने लगे हैं। इसके पीछे का कारण शायद बताए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के दिलों में आज भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम है। खिवा शहर के इतिहास की अगर बात करें तो खिवा शहर का इतिहास कुछ 1400 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ के घर कुछ इस तरह बनाए गए हैं जो भारतीय समुदाय से काफी मेल खाते हैं। आपसी प्रेम प्यार बना रहे इसलिए एक घर का दरवाजा दूसरे घर के आंगन में खुलता है। यहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा करने का भी रिवाज है। वैसे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पेड़ तो नहीं है, लेकिन जितने पेड़ पौधे हैं उनको सनातन की तरह ही पूजा जाता है। मित्रों, उज्बेकिस्तान के खिवा शहर के लोग अगर भगवान श्री कृष्ण को पूजनीय मान रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई इतिहास तो जुड़ा है। बेशक ईरानी लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस शहर को खोजा था, किंतु इसमें पूर्ण सत्य नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग कृष्ण के जीवन से प्रभावित हैं तो जरूर यहाँ कृष्ण से जुड़ा कोई इतिहास रहा होगा। उज्बेकिस्तान के खिवा शहर में कृष्ण भक्ति जानने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि भारत के बाहर भी सनातन धर्म था और आज भी है। कहा यह भी जाता है कि उज्बेकिस्तान के लोग कृष्ण का उतना आदर करते हैं जितना हम भारतीय भी नहीं करते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया उज्बेकिस्तान के बारे में जहां पर मुस्लिम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को।